विलियम होम रॉथरे रूल, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर की बात करने जा रहे हैं, यानी हम ये कहते हैं कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर सब्स्टिट्यूट करता है, तो तब उसके रूल्स क्या क्या हैं, तो ये हमने सारे देखे थे। सो पॉइंट नंबर 3 जो है, इसको ज़रा हमने देखना है कि जब हम डोपेंट एटम ऐड करते हैं तो उसके बाद जो क्रिस्टल लैटिस है वो कितनी हद तक स्टेबलाइज होती है। ठीक है, सो उसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है। ठीक है, कि वो आपके ना कितनी देर उसके अंदर, उस लैटिस के अंदर वो इनकमिंग या फॉरेन पार्टिकल जो है वो कितनी देर स्टेबलाइज रहेगा। ठीक, इसके लिए जो मेन चीज़ है जो हम इसके ऊपर प्री रेक्विजिट्स की बात कर रहे हैं या बाकी बात कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, और जो रिलेशनशिप है दोनों एटम्स की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, अगर तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, यानी डोपेंट की और जो पेरेंट लैटिस है उसके अंदर जो एटम है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सेम है, फिर तो स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेहतर होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो तब एक और फिनोमेना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में दोनों के डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसकी तरफ शिफ्ट होगी। सो ये पीछे जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं ना, अपनी ज़रा माइक ऑफ करें प्लीज़। ठीक, सारे लोग अपना माइक ऑफ कर दें, सही है। अच्छा, उसके बाद जो जो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब शिफ्ट होगी टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपने एक चीज़ पढ़ी है जिसमें हम कहते हैं आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और जब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब बॉन्ड में आयनिक करेक्टरिस्टिक आएगी, दो डोपेंट एटम के बॉन्ड जो होगा दो डोपेंट एटम के दरमियान उनमें ऐसा होगा। ठीक है, और वो कंपाउंड की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आयरन लैटिस जो है उसको अगर हम क्लोरीन गैस का एक्सपोजर दें तो आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, इट्स अ येलो कंपाउंड ऑफ FeCl3, ना के रेडिश क्लियर कलर ऑफ आप क्या कह सकते हैं, क्लोरीन डोप्ड आयरन जो है ना वो रेड कलर का डोपेंट सिचुएशन नहीं होती, बल्कि वो किस फॉर्म हो जाता है, कंपाउंड फॉर्म में, क्योंकि आयरन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट इज़ वाई यू गेट अ येलो कलर्ड FeCl3 रादर देन डोप्ड क्लोरीन आयन, क्लोरीन डोप्ड आयरन विद अ रेडिश कलर। सो दैट हैपन्स और आपके पास कंपाउंड जनरेट होना शुरू हो गया। फोर्थ में हम बात करेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट एटम की वैलेंसी स्टेट्स की। ठीक है, अगर तो दोनों की वैलेंसी सेम है, यानी आपने जो डोपेंट ऐड किया और जो लैटिस में मौजूद कोई भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, वैलेंसी सेम होनी चाहिए। जैसे आप कहते हैं ZnO, जिंक की वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो आप अगर उसमें आयरन डोप करना चाहते हैं तो प्रेफरेबली क्या होना चाहिए, आयरन प्लस 2 होना चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए या करना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि आप कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, कोई भी और, उसकी प्लस 2 लेड ऐड करना चाहते हैं, प्लस 2 ऐड करेंगे, तब वो उसके अंदर ज़्यादा आसानी से डोपिंग होगी और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आप गेन करेंगे। अगर आप वैलेंसी स्टेट्स को डिफरेंट करेंगे तो तब आपको मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसमें होमोजीनियस जो इंटरेक्शन है वो नहीं होगी। देर माइट बी सम अदर थिंग्स जो उसके स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा डिविएट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाइवेलेंट एटम है दैट इज़ टू बी रिप्लेस्ड एज अ हेक्सावेलेंट सॉल्वेंट एटम। ठीक है, द सॉल्वेंट लैटिस मस्ट बी इनकेपेबल टू स्टेबलाइज द डोपेंट एटम। ठीक है, अब अगर आपके पास दो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या वैलेंसीज हैं और उनको आप उसके दोनों को मिक्स कर रहे हैं और सॉलिड सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो ये याद रखें कि जो लैटिस के अंदर एटम मौजूद है वो जो इनकमिंग डोपेंट है उसकी जो भी वैलेंसी है उसको स्टेबलाइज करना कर सकता हो। अगर उस वो इनकेपेबल हुआ स्टेबलाइज करने का तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। जैसे डाइवेलेंट है उसको आप हेक्सावेलेंट सॉल्वेंट में ऐड करना चाह रहे हैं या उसमें इन दोनों को मिक्स करना चाह रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी उस तरह नहीं गेन होगी कभी भी। ठीक है, सो ओनली अ वेरी फ्यू बॉन्डिंग विल बी अपेयर्ड बिटवीन
टू डोपेंट्स एंड द पेरेंट लेटर। तो ये एक मेन जो है मेन चीज है, ठीक है। सो अब हम आ रहे हैं टूवर्ड्स अदर डिफेक्ट्स, ठीक, स्कॉटे डिफेक्ट एंड फ्रैकलिंग डिफेक्ट। अब हम एटॉमिक लेवल डिफेक्ट्स पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है जी। सो देर आर टू पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, जैसे हमने शुरू में ऊपर जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे। एक है स्कॉटे डिफेक्ट और दूसरा जो है उसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। स्कॉटे डिफेक्ट उस वक्त जनरेट होता है जब हमारे कैटाइन एनाइन पेयर्स की माइग्रेशन होती है टू दी सरफेस एंड लीविंग बिहाइंड अ वेकेंसी। आपके पास खाली जगह बच गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखो तो ये से ये कैटाइन है, ये कैटाइन है और ये एनाइन है, ये एनाइन है, ये कैटाइन है, ये कैटाइन है। अब टेक्निकली होना ये चाहिए कि ये एनाइन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, कैटाइन, और यहाँ क्या होना चाहिए, एनाइन, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन ये जो कैटाइन एनाइन पेयर है ना, ये रिमूव हो गया, किसी सरफेस से निकल गया या सरफेस से चला गया, लैटिस में से रिमूव हो गया। अगर ये ऐसा हुआ, कैटाइन एनाइन दोनों पेयर निकल गए, तो इसका मतलब लैटिस के अंदर डिफेक्ट आ गया, खाली जगह आ गई लैटिस के अंदर, और इस डिफेक्ट को हम स्कॉटले डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है, सॉरी स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ जी, सर पेयर निकलना जरूरी है कैटाइन और एनाइन का, या कोई एक भी निकले तो भी डिफेक्ट अगर होगा? पेयर निकलेगा तो जो डिफेक्ट जनरेट होगा उसे स्कॉटे डिफेक्ट कहेंगे। एक भी निकल ठीक सकता है है, पेयर, एक भी ठीक निकल है, सकता है, और वो एक निकलने के लिए जो डिफेक्ट जनरेट होगा उसको क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक ठीक है, है। ये कैटाइन भी हो सकता है, ये एनाइन भी हो सकता है। अगर आपका कैटाइन निकल जाए या एनाइन कोई भी निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट, और अगर दोनों निकल जाए तो फिर हम स्कॉटे डिफेक्ट करेंगे। ये डिफेक्ट है ना, आपके रेगुलर पैटर्न जी, में बीच में से कोई आइटम निकल गए, वो बीच में आई ही नहीं, सही है। सो ये हमारे पास ये अगेन माइग्रेशन से, लेट आइन माइग्रेशन से ये इंटरस्टिशियल पोजिशन जनरेट हुई है, जो नीचे जगह उसने खाली छोड़ दी है। यहां तक बात समझ आ गई? सो फॉर आयनिक सर क्रिस्टल, जी, देखो क्वेश्चन पूछ रहा था, यस ओके रिकॉर्ड कर रहे हैं प्लीज। ओके 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 फॉर आयनिक क्रिस्टल्स, जब हम आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए या ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड होने चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर जितने पॉजिटिव होने चाहिए उतने नेगेटिव होने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेबलाइज द लैटिस, अदरवाइज लैटिस आपकी कभी स्टेबल नहीं होगी, और वो ब्रेक होने के चांसेस, उसमें स्टेबिलिटी का इशू आएगा और ब्रेक होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, सही है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं कि हमारे पास कुछ ट्राइवेलेंट लेंथेनियम ट्राइवेलेंट है, ठीक है, 3+ आयन के साथ, दे आर सब्स्टिट्यूटेड विद डाइवेलेंट कैटाइन कैल्शियम +2, ठीक है। तो हमें ये देखना चाहिए कि देर मस्ट बी आप कहते हैं कनकॉमिटेंट रिप्लेसमेंट ऑफ डाइवेलेंट एटम टू बैलेंस द क्रिस्टल चार्ज। अब आपने ना, आपका एक पास क्रिस्टल है, उसमें ना कैल्शियम ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक, या लेंथेनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल है, तो आप ये देखें कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। अब आप उसमें ना कोई डिफरेंट वेलेंट एटम डाल रहे हैं, से कैल्शियम +2 लेंथेनियम में डाल दें या लेंथेनियम कैल्शियम में डालें, तो दोनों के चार्ज में +1 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ऑलरेडी पहले पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस थे, अब आपने नेक्स्ट जो एटम डाला है उससे +1 स्टेट इंक्रीज हो गई है, सही, और कैल्शियम बीच में से निकल गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो -+2 हुआ है, और ऐड क्या हुआ है, +3 ऐड हुआ है, रिमूव क्या हुआ है, कैल्शियम +2 हुआ है, तो +2 की जगह +3 आ गया। तो जब +3 आएगा तो चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो उस चार्ज इम्बैलेंस को क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एडअप होंगे टू बेसिकली बैलेंस द चार्ज, तो ऑन दैट बेसिस आपकी लैटिस चेंज होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है. सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस सम सॉलिड क्रिस्टलाइट्स. और यह हम बाद में इसको हम मटीरियल एप्लीकेशन में आप ये ना आगे इसी इसी बुक के अंदर वो दिया हुआ टॉपिक है कि ये इससे फ़ायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? +3 वाले अगर ऐड होंगे तो हमें ऐसा एटम ऐड करना पड़ेगा जिसकी वो पे चार्ज +3 हो। आपको बात नहीं समझ आई, आपको पूरी बात नहीं समझ आई कि मैं कह क्या रहा हूँ. ठीक है, ये हमने ये जो पॉइंट डिस्कस किया ये नहीं, क्या है? +3 को बैलेंस करने के लिए माइनस वाला आइटम आएगा ना? यस, माइनस वाला आएगा ना. ये देखें, ये हमारे पास है माइनस वाला आइटम कैल्शियम +2, और उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव प्लस नेगेटिव ऑक्सीजन -2 होगा. अब ये लैटिस है, इसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. अगर आप ना यहाँ से कैल्शियम को हटा के उसकी जगह ये ले आते हैं Na+3, ये ऐड करते हैं, डोपेंट करते हैं, तो ये निकला, इसकी जगह ये आ गया. जब ये आया तो यहाँ पहले क्या था कि कैल्शियम +2 था, उसको काउंटर करने के लिए -2 दोनों साइड पर थे. ठीक है, या एक पॉजिटिव, ये +2 प्लस -2 से बैलेंस हो रहा था. अब ये जब +3 आया ना, तो +3 तो बैलेंस नहीं हो रहा ना O2 से, एक ऑक्सीजन से तो बैलेंस नहीं हो रहा ना चार्ज, तो लिहाजा एक्स्ट्रा हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा. समझ आई है बात? तो या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसमें खुद ब खुद एड अप हो जाएगा टू बैलेंस द चार्ज. सर एक क्वेश्चन, जी जी, यहाँ पे ऑक्सीजन ही आएगा या ऑक्सीजन की जगह हम कोई और भी नेगेटिव एटम लगा सकते हैं? अगर तो आपने उसके ऑक्साइड्स यानी एनाइन को नहीं छेड़ा, कोई बाहर से बैरूनी कोई एनाइन आपने ऐड नहीं किया, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो ऑक्सीजन ही आपस में वो इस तरह अपने आप को रीअरेंज करेंगे कि ये चार्ज बैलेंस करेंगे. अगर आपने बाहर से कोई और चीज़ एक्स्ट्रा एनाइन भी आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यानी एनाइन डोपिंग भी कर रहे हैं, तब भी ये चेंज हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिंक ऑक्साइड है या टिन ऑक्साइड है या सिलिकॉन ऑक्साइड है, उसके अंदर आप हैलोजन ऐड कर रहे हैं या कोई और ऐड कर रहे हैं, तो वो भी तो एनाइन है ना, तो दैट इज़ समथिंग एल्स. आप एक कंपाउंड ऐड कर रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स. लेकिन आप सिर्फ एक कैटाइन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो तब वो ऑक्सीजन ही बैलेंस कर रही होगी, अगर वो ऑक्सीजन है तो, एनायन है तो. ठीक है, ठीक है सर. अच्छा जी, हम नेक्स्ट आते हैं स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की तरफ. सर एक और चीज, जी जी सर, वहां पे +3 था तो यहाँ पे -2 वाला हमने एटम डाला, ऑक्सीजन -2, तो मतलब -3 जब डालेंगे तब बैलेंस नहीं होंगे? अच्छा, ठहर जा, मतलब -2 से कभी रह नहीं जाएगी? ओहो, पता, जरा एक सेकंड ना, मैं आपको समझाता हूँ कि चक्कर क्या है. चलने सर फिर कहानी स्टार्ट करें. आप कहानी फिर से स्टार्ट हो रही है, देखो इधर से गौर से देखना है. सर मुझे लेक्चर नहीं आना पिछला, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है. पिछले का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक जो है ना वो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक और माइनर चीजों से. ये याद रखें, जो मेरा कोर्स है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी बेसिक. और मटीरियल केमिस्ट्री की इब्तदा बेसिक से होती है, जिसको बेसिक्स आती है ना उसको मटीरियल केमिस्ट्री आती है, ये याद रखिएगा. तो जो जितनी इनोवेशंस होती है ना दुनिया में, वो बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग के बाद होती है. एडवांस सारे पढ़ेंगे आप, आगे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी. बट यहाँ हम अब ज़रा देखिएगा हो क्या रहा है. से ऐसा करते हैं कि ये मैं इसको पॉजिटिव बनाता हूँ, इस लाइन को. ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. से अब अगर गौर से देखो कि ये एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सराउंडेड है कितने नेगेटिव से, 1, 2, 3 और एक इधर होगा इसके सामने, यहाँ 4. समझ आ रही है बात? जी सर. अब एक पॉजिटिव है वो सराउंडेड 4 नेगेटिव से है, तो ये बैलेंस तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना बैलेंस? जी सर. ओ, बैलेंस है ये, क्यों बैलेंस है ये बैलेंस? ये ना तो हमने, ये बैलेंस्ड है, इसलिए बैलेंस्ड है कि इसके गिर्द 4 नेगेटिव हैं, लेकिन वो सारे इसको अट्रैक्ट, हर कोई होल नेगेटिव से अट्रैक्ट नहीं कर रहा. वजह ये है कि इसके ऑपोजिट यहाँ पॉजिटिव पड़ा होगा,
इस नेगेटिव के ऑपोजिट यहाँ पॉजिटिव पड़ा हुआ है, इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी कोई ना पॉजिटिव होगा। सर, उसको बैलेंस करने के लिए उसके आगे भी तो, और भी तो पॉजिटिव होंगे ना सर। हाँ डेफिनेटली, तो इसका मतलब यह है कि ये अपनी कंप्लीट नेगेटिव स्ट्रेंथ से इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये शेयर कर रहे हैं सारे नेगेटिव जो है ना इस पॉजिटिव की को, जो उसकी अट्रैक्शन पावर है वो सारे इक्वली उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये चार हैं और ऊपर भी ठीक, चार है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव इसको, एक पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हर नेगेटिव का की अट्रैक्शन इस पे ऊपर 1/8 आएगी। समझ आई है बात? तो अब अगर जी सर, यहां पर +1 की बजाय +2 आ जाए, तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये जो सारे शेयर कर रहे हैं, ये इसकी अट्रैक्शन चेंज हो जाएगी इसकी तरफ, और फिर उससे लैटिस पर फर्क पड़ेगा। जी सर, ठीक है, समझ आई है बात? जी सर, आगे चलो गुड। सो अब हम आते हैं स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की तरफ। अगर आप किसी भी क्रिस्टल की कॉम्पोजिशन को एक डिस्टिंक्ट केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। लुक एट दिस, दिस इज SiO2। क्या ये इसका इसको कंप्लीट को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या SiO2 एग्जिस्ट करता है? नो सर, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। उसकी सिंपलेस्ट स्टोकियोमेट्री बता रहा है कि ये रिपीटिंग यूनिट्स होंगे उसके अंदर। इन एक्चुअल सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो होता है एक नेटवर्क, टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की नेटवर्क होता है। एवरी सिलिकॉन इज अटैच टू अ 4 ऑक्सीजन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें रिपीटिंग यूनिट जो सिलिकॉन, है ना, बेसिकली रिपीटिंग यूनिट वो ये है, एक इधर और एक इधर से, ये रिपीटिंग यूनिट है बेसिकली SiO2। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब जो कॉम्पोजिशन होती है स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की, इट कैन बी एल्टर्ड, इट कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग अ डोपिंग मेथोडोलॉजी। कोई आप डोप कर दें या थर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू भी आप उसको चेंज करते हैं, और एज अ रिजल्ट उसकी कॉम्पोजिशन चेंज होगी। और जब वो कॉम्पोजिशन चेंज होगी, इसकी कॉम्पोजिशन में फर्क पड़ेगा, तो फिर वो स्टोकियोमेट्रिक नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा? नॉन स्टोकियोमेट्रिक सॉलिड। और जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक सॉलिड्स होते हैं, उनमें पॉइंट डिफेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो नॉन स्टोकियोमेट्रिक सॉलिड्स के अंदर पॉइंट डिफेक्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा करते हैं कि आप ना जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसमें ना जो जो उसकी नॉन नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं उसे, ठीक है, थर्मल ट्रीटमेंट करके या डोपिंग करके, तो ये उसकी एक्स की वैल्यू है ना, ये वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, यानी ऑक्साइड चेंज होना शुरू हो जाएंगे, उनके नंबर पे फर्क पड़ेगा, स्टोकियोमेट्री चेंज होगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बन जाएगा, और उसमें पॉइंट डिफेक्ट काफी ज्यादा होंगे, ठीक है, समझ आई? सो ऑन द यस अदर सर, हैंड, इफ वी एग्जर्ट एनी प्रेशर ऑन द मटीरियल, अगर आप किसी मटीरियल पर प्रेशर डालें और उसकी थिकनेस को आप डिक्रीज कर दें, तो इसका मतलब ये है कि देर इज एन एनी चेंज इज एक्चुअली हैपनिंग इन द सॉलिड। कोई चेंज हो आ रहा है उस सॉलिड के अंदर, और उस चेंज से कोई आपने जो वो जो जो वो चेंज है वो इसलिए आया कि आपने उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया है, और उस प्रेशर से वो चेंज जनरेट हुआ है, और इस चेंज को हम बेसिकली कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा? सर वैसे पढ़ा है स्ट्रेस स्ट्रेन। हाँ अच्छा, आपने नमक, नमक जो होता है घर में चुटकी छुटकी से डालते हैं ना सालन में, कभी जी चुटकियां भर के सर, नमक डाला है? गुड। सर नमक जो है, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। आप जब उसे जी चुटकी में डालते हैं ना, तो और उसे प्रेस करते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं बेसिकली, तो यू आर एक्चुअली अप्लाइंग स्ट्रेस ऑन इट, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो जो नमक होता है वो घुर जाता है, रास्ता ठीक है, पिस जाता है, स्ट्रेस और फिर वो
वो छोटे बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस अप्लाई करना, एंड एज अ रिजल्ट उसकी थिकनेस में फर्क पड़ रहा है, उसकी लेयर्स या लैटिस टूटना शुरू हो गई। सही है। अच्छा, अब कुछ जो जी होते हैं ना सर, वो स्ट्रेस को बेयर करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को बेयर नहीं करते। ठीक है, डिपेंड्स कि किस तरह का सॉलिड है। अब रबर जो है वो जब उसके ऊपर वो ज्यादा स्ट्रेस को एग्जिबिट कर सकता है, ज्यादा स्ट्रेस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड सॉलिड्स होते हैं वो उस तरह नहीं करते। जैसे डायमंड है वो उतना स्ट्रेस नहीं अप्लाई अपनी एग्जिबिट कर सकेगा। सही है, इलास्टिसिटी एंड बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे इसके रीजन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ स्टील एंड इट कंटेन्स अ सिमिलर एटम्स, ठीक है, वो सारे के सारे सिमिलरली बिहेव करेंगे अगर उन सारों के ऊपर अप्लाइड स्ट्रेस की वैल्यू भी है। इसी तरह बेंडिंग एंड सो ऑन, अगर एटम चेंज होना शुरू हो गए तो फिर हर एक अपना स्ट्रेस डिफरेंटली शो करेगा। ठीक है, समझ आइए। एंड इफ द स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी में बेंडिंग जनरेट हो किसी मटेरियल में तो उसको कहते हैं शेयर स्ट्रेन। अगर थिकनेस डिक्रीज हो तो दैट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से बेंडिंग हो जाए तो उसको कहते हैं शेयर स्ट्रेन। अब ये शेयर स्ट्रेन, बेंडिंग स्ट्रेन, कंप्लीट स्ट्रेन, स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ये सब क्यों अप्लाई हो रहा है, उसका फिनोमेना क्या हो रहा है। जब ये प्रेशर आप अप्लाई करें तो उसके लैटिस में जो एटम्स हैं ना उनकी मूवमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। आयरन की एक रॉड है, आपके पास सरिया है, आप उसे मोड़ते हैं तो वो मुड़ जाता है ना, बेंड हो जाता है ना, राइट। वो बेंड इसलिए हो रहा है अगर वो जिस पॉइंट पर वो बेंड हुआ हुआ है अगर वहां आप देखें तो आप इन एक्चुअल क्या कर रहे हैं, एक के उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करके उन एटम्स को मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो वो डिफॉर्मेशन इन द क्रिस्टल लैटिस आ रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू गेट अ सम सॉर्ट ऑफ बेंडिंग और थिकनेस डिक्रीज इन एटसेट्रा। तो डिफॉर्मेशन हो रही है अगेन, ऐसे ही है ना, जैसे वहां पॉइंट डिफेक्ट्स थे यहाँ डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। और ये डिफॉर्मेशन जो है, दिस डिफॉर्मेशन डज नॉट लीड टू अ नॉन परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम। तो अगर आप शेयर स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो वो अपनी शक्ल दोबारा वापस गेन कर सकता है इन मैनी केसेस। कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे रबड़ पे करें तो उसे बेंड कर लें, थोड़ी देर बाद वो वापस चला जाता है ना। ठीक, तो कुछ में ये जो होता है ना, कुछ में ये परमानेंट होती है और कुछ में क्या होती है, नॉन परमानेंट। जिसमें नॉन परमानेंट होगा वो वापस चला जाएगा, और जिसमें परमानेंट होगी वो कंप्लीटली एटम्स अपनी परमानेंट पोजिशन से डिसप्लेस हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू गेट सम सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम कोई इस तरह का स्ट्रेन लेवल या मैकेनिकल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ मटेरियल्स की। ठीक, इसी तरह एक हमने पढ़ा है एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक, ये जो ऊपर हमने पढ़ी थी ना, लेट मी शो यू अगेन, ये वाली, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफेक्ट्स। लीनियर डिफेक्ट्स में एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन है ये। ठीक है जी, याद आ गया कुछ, कहीं हमने थोड़ा सा देखा है इसको। सो एज, ये क्या होता है डिसलोकेशन? आप रेगुलर जो जो पैटर्न है एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट का, वो आप सडनली या अब्रप्टली आप उसको क्या कर दें, चेंज कर दें। ठीक है, अलोंग द एक्सिस, किसी एक्सिस के अलोंग करें और वो एटम्स के अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट चेंज हो जाए, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू गेट अ सम लाइन डिफेक्ट्स। और दीज लाइन डिफेक्ट्स किसी क्रिस्टलाइन प्रोसेस में आपको नजर आएंगे, एंड ये आप उस तरह से बहुत ज्यादा क्लियरली देख सकेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसकी है, और ये जो ये एज स्क्रूइंग है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं शेयर स्ट्रेन,
जिससे स्लिपिंग होगी एटम्स की। और यहाँ कुछ आप ये स्क्रू डिसलोकेशन देख लें, तो क्या मतलब जो जो स्ट्रेस अप्लाई करने से डिसलोकेशन क्रिएट हो रही है वो बेसिकली किस में आते हैं, लीनियर डिफेक्ट्स के अंदर। तो आप यहाँ देखो कि आपने इसको बेंड किया और इसकी लेयर, ये बेंडिंग समझ आई है आपको? जी सर। ओके, आप एक साइड से एक को राइट साइड पर धकेलते हैं और दूसरी साइड को किस पे धकेलते हैं, लेफ्ट साइड पर है, और इससे क्या होता है एटम्स आपस में डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लिपिंग प्लेन और स्लिपिंग एरिया, और स्लिपिंग एरिया से शेयर स्ट्रेस अप्लाई होता है। जबकि दूसरा केस जो है ना उसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि एक पार्ट को बेंड करके ऊपर ले जाते हैं, जैसे ये है ठीक है, इसको आपने ऊपर की तरफ खींच लिया, ये इसको नीचे की तरफ खींच लिया, तो हाफ पार्ट ये वैसे रहा है। इट मीन्स दिस पार्ट गोज डाउन, दिस पार्ट गोज अप, ठीक। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रू डिसलोकेशन एंड दिस इज द डिफॉर्मेशन, और ये इफेक्ट करती है मेटल्स की स्ट्रेंथ को, ठीक एटसेट्रा। यहां तक कोई प्रॉब्लम?